कि कैसे हो, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑलराउंडर। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड ऑलराउंडर को जरूर देखते रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं बता रही हूँ कि मैंने बनाए पुलाव, जो आम घर में जो बनाते हैं हम लोग डेली यूज़ वाले थोड़े से, तो हम कैसे भी बना सकते हैं उसे, किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं। तो मैंने वो पुलाव बनाया है, तो मैंने वो वीडियो में ये सब दिखाया है, आप पूरा वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आप देखते रहे इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैंने लिए हरी सब्जी, बीन्स, प्याज, टमाटर और ये मैंने चावल धो लिए हैं। मैं बना रही हूँ पुलाव और सोयाबीन की बड़ी जो मैंने भिगोने रखे थे वो अच्छे से भीग गए हैं और मैं प्याज कट कर लिए हैं। मैं टमाटर कट कर लूँगी अब आराम से। पहले टमाटर कट करने के बाद अब मैं चटनी के लिए टमाटर पका रही हूँ। जैसे टमाटर पक जाएंगे आग में तो उसके लिए पुलाव के साथ चटनी अच्छी होती है। तो हमारे देसी स्टाइल में मानो या घरेलू स्टाइल में ऐसी चटनी बनाते हैं। तो आपको ये चटनी वाला स्टाइल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। जैसे टमाटर पक जाते हैं उसके बाद इनके छिलके निकाल लेते हैं बाहर के। और अब मैं रखूँगी तेल गरम करने। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। मैंने इसमें तेल डाल दिया है, जीरे का तड़का लगाएंगे और उसके बाद और आप देखिए तन्नू और कल्लू दोनों खेल रहे हैं। इनको इतने सारे खिलौने दे रखे हैं, वो इधर उधर चली जाती है, तन्नू ज़्यादा शैतानी करती है तो मैंने ये सब फैला दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तेल गरम हो चुका है और इसमें मैंने प्याज और जीरे का तड़का लगा लिया है। प्याज जैसे ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं सोयाबीन की बड़ी वगैरह डाल दूँगी, सब्जी छोंक दूँगी। तो मैंने डाले ये बड़ी और ये बीन्स टमाटर कट कर लिए हैं जो उसमें डाल लिया है। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा ब्राउन होने के बाद थोड़ी देर हम इन सब्जियों को भून लेंगे। उसके बाद धुले हुए चावल
अच्छे से पीस लिया है। अब इसे भी हम इस कटोरी में उठा देंगे जिसमें हमने बाकी चटनी उठाई है। उठाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से, और इसमें जो गाँव वाला नींबू रखा है इसमें निचोड़ेंगे, स्वाद अनुसार हम कितना यूज़ कर देंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है, मैं आधा नींबू ही निचोड़ूंगी इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा भी अच्छा नहीं होता, अपने स्वाद अनुसार ही हमें नींबू निचोड़ना चाहिए। तो मैंने ये नींबू निचोड़ लिया है, चटनी तैयार हो चुकी है, बस अब मिक्स करना है थोड़ा। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, चटनी तैयार हो चुकी है पुलाव के साथ के लिए। ऐसी चटनी आप रोटी में भी बना सकते हो। तो पुलाव बनके तैयार हो चुका है, इसे मिक्स कर लेंगे। सब्जियां, सोयाबीन ऊपर आ जाती है, चावल नीचे रह जाता है। खाना हो चुका है तैयार। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से सर्दी जुकाम बुखार और खांसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं, तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा अपना और अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना दोबारा फैल गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सावधानी हमें बरतनी चाहिए, मास्क वगैरह लगाए रखो। और मेरी भी जैसे तबीयत ख़राब हो रखी है, जुकाम से बहुत हालत ख़राब है, और तनु की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी, अब दवाई लेके थोड़ी ठीक हो गए हम दोनों। तो ऐसे मौसम में आप लोग अपना और अपने बच्चों का, अपने घर में बुजुर्गों का सबसे खास ध्यान दीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आज वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।